कितने रुपए लेते हैं जानकर चौंक जाओगे आप। और भारत का एक ऐसा गांव जहां मुगल सम्राट अकबर को भगवान माना जाता है, जानेंगे वीडियो के आखिर में। नंबर 9, आपने आज तक कई ऐसे वीडियोस देखे होंगे जिनमें डाइवर्स समुद्र के तल में जाते देखे जा सकते हैं, पर जब भी कोई डाइवर समुद्र तल में जाता है तो उसके पास उसका ऑक्सीजन सिलेंडर होता है ताकि वो ज्यादा देर तक पानी में रह सके। पर आज हम आपको जिस डाइवर से मिलवाने जा रहे हैं उसकी सुपर नेचुरल पावर्स आपके होश उड़ा देंगी। मिलिए सोफिया गोमेज से। कोलंबिया के रहने वाली सोफिया गोमेज दुनिया की पहली फ्री डाइविंग वर्ल्ड चैंपियन बन चुकी है। सोफिया एक सांस में 280 फीट यानी लगभग 86 मीटर गहरी डाइव लगा सकती है और इसका कारण है उनके सुपर नेचुरल पावर वाले लंग्स, जो आम व्यक्ति से कई गुना ज्यादा देर तक सांस रोकने में सोफिया की मदद करते हैं। शार्क के साथ तैरना, अंडर वाटर ट्री क्लाइंबिंग, ये सोफिया द्वारा पानी के अंदर रहकर किए जाने वाले कुछ कर्तव्य है जिन्हें आप इस वीडियो में देख सकते हैं। नंबर 8, सेलिब्रिटीज इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट डालने के लिए लाखों रुपए चार्ज करते हैं और इस लिस्ट में अब क्रिकेटर्स भी शामिल हो चुके हैं। भारतीय क्रिकेट टीम के कैप्टन विराट कोहली भारत के इकलौते ऐसे व्यक्ति हैं जो पर पोस्ट सबसे ज्यादा पैसे चार्ज करने वाले टॉप 20 लोगों की लिस्ट में शामिल है। इस लिस्ट में उनका 19th नंबर है जो हर पोस्ट के 5 करोड़ रुपए चार्ज करते हैं। उसके बाद नंबर आता है प्रियंका चोपड़ा का, जो इस पोस्ट पर 3 करोड़ रुपए चार्ज करती है। इस लिस्ट में उनका नंबर है 27th। नंबर 6, जमाना बदल रहा है और इसके कई एग्जाम्पल आपको दिन भर में देखने को मिल जाते हैं। अब जमाना पर्सनलाइज्ड हो रहा है तो टीवी एड्स कैसे पीछे रह सकते हैं, चलिए आपको अच्छे से समझाते हैं। पहले जब आप मैच के दौरान बिलबोर्ड्स देखते थे तो आपको एक ही तरीके की एड्स दिखाई देती थी। उस मैच को दुनिया के किसी भी कोने में देखा जाता, एड्स सेम ही रहती। पर अब ऐसा नहीं होता। अब जो एड्स आपको मैच के दौरान बिलबोर्ड्स पर दिखाई देती हैं, दूसरी जगह पर बैठे व्यक्ति को उसी मैच के बिलबोर्ड्स पर दूसरी एड्स दिखाई दे रही होती है। मतलब अब एड्स भी लोगों की लोकेलिटी के हिसाब से बदल जाती है। नंबर 5, ऑस्ट्रिच के बारे में कहा जाता है कि जब वे अपने आसपास खतरा महसूस करते हैं तो उससे बचने के लिए वे अपना सर मिट्टी में दबा देते हैं, पर ये सरासर झूठ है। चलिए आज आपको पिलाए जा रहे इस झूठ के घूंट का सच बताते हैं। ऑस्ट्रिच जमीन में गड्ढा करके अपने अंडों को उसके अंदर रखते हैं और बार बार उस गड्ढे में सर डालकर अपने अंडों को रोल करते हैं ताकि अंडों के हर हिस्से को बराबर गर्मी मिले। और ऑस्ट्रिच के इसी बिहेवियर को कुछ महाज्ञानी लोगों ने खतरे से बचने का तरीका बता दिया। नंबर 4, अच्छा फर्नीचर घर को 4 चांद लगाने का काम करता है। पर आजकल फर्नीचर बनाने वाली कंपनीज ट्रेडिशनल जगह घेरने वाले फर्नीचर के कॉन्सेप्ट को कब का ठंडे बस्ते में डाल चुकी है। इसीलिए अब मार्केट में जो फर्नीचर देखने को मिलता है वो काफी शानदार होता है। ऐसे ही है ये ओली चेयर। ओरिगैमी टेक्निक्स इस्तेमाल करके डेवलप की गई ये चेयर लंबर सपोर्ट के साथ आती है। इस चेयर की सबसे मजेदार बात यह है कि इस्तेमाल ना होने पर आप इसे कुछ इस तरीके से डिसमेंटल भी कर सकते हैं और उठाकर घर के किसी भी कोने में रख सकते हैं। सिर्फ एक स्ट्रिंग के खींचते ही ये चेयर रूप बदल लेती है, जो आप इस वीडियो में देख सकते हैं। नंबर 3, हमिंग बर्ड, जिसे हिंदी में कठफोड़वार भी कहते हैं, एक बेहद स्ट्रॉन्ग चोंच वाला पक्षी होता है। पर आज हम आपको जिस हमिंग बर्ड के बारे में बताने जा रहे हैं उसकी चोंच उसके शरीर से भी लंबी होती है। मिलिए स्वॉर्ड बिल्ड हमिंग बर्ड से। साउथ अमेरिका के एंडीन रीजन्स में पाया जाने वाला ये हमिंग बर्ड नेट्रोपिकल स्पीसीज का हमिंग बर्ड है। इस हमिंग बर्ड को इसकी बड़ी चोंच के लिए जाना जाता है, जो कि उसके शरीर से भी बड़ी होती है। नंबर 2, खरगोश काफी मासूम सा जानवर लगता है, पर क्या आप खरगोश को युद्ध लड़ते हुए इमेजिन कर सकते हैं? नेपोलियन को तो आप सभी जानते होंगे, जिसने फ्रांस पर काफी लंबे टाइम तक राज किया। नेपोलियन ने 60 युद्ध लड़े और सिर्फ 7 ही हारे। अब बात करते हैं नेपोलियन की खरगोशों के हाथों हुई हार के बारे में। घटना है जुलाई 807 की। नेपोलियन ने अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर खरगोशों का शिकार करने का फैसला किया। नेपोलियन के सिपाहियों ने शिकार से पहले ही लगभग 3000 पालतू खरगोश इकट्ठा कर लिए थे, जिनका शिकार किया जाना था। अब आया शिकार का दिन। पिंजरे में बंद खरगोशों को छोड़ा गया इस उम्मीद में कि छोड़ते ही वे भागेंगे और फिर उनका शिकार होगा। पर खरगोशों की प्लानिंग कुछ और थी। पिंजरे से निकलते ही खरगोशों को लगा कि नेपोलियन और उनके साथी उनके लिए गाजर लाए हैं और खरगोश उन पर टूट पड़े।
गाजर ना मिलने पर खरगोश गुस्से में आ गए और नेपोलियन और उनके साथियों पर हमला कर दिया। ये हमला इतना खतरनाक था कि दुनिया के सबसे ताकतवर राजाओं में गिने जाने वाले नेपोलियन को वहाँ से जान बचाकर भागना पड़ा। नंबर वन, भारत में रहने वाला हर व्यक्ति भारत के कानूनों को मानता है और ऐसा ना करने पर सजा का प्रावधान भी है। पर भारत में एक ऐसा गांव भी है जहां के लोगों का अपना अलग पार्लियामेंट है और ये भारत के किसी भी कानून को फॉलो नहीं करते। इस गांव का नाम है मलाना, जो कि हिमाचल प्रदेश के मलाना नाला वैली में बसा हुआ है। ये गांव भारत की सबसे रहस्यमयी जगहों की लिस्ट में शामिल है। इस गांव के लोग खुद को सिकंदर का वंशज बताते हैं। इस गांव की अपनी पुलिस